दोस्तों ये LG का 32 इंच का टीवी है, इसमें देखिए प्रॉब्लम, स्लो मोशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तो फ्रीजिंग हो रहा है पिक्चर देखिए, तो इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करते हैं। पिक्चर में कुछ लाइनिंग भी है, तो चलिए मॉडल नंबर पहले देख लेते हैं। इसका मॉडल नंबर है आपका 32LH56 2A, ये है इसका मॉडल नंबर। तो चलिए इसको खोल लेते हैं, पहले देखते हैं कुछ काम हुआ कि नहीं है। तो हमने बैक कवर ओपन किया, देखिए अभी तो ये शर्ट अभी अनटच है, किसी ने हाथ नहीं लगाया, ये धूल इसमें जो जमा हुआ है वही दिख रहा है कि इसमें कुछ काम हुआ नहीं पहले। तो इसमें ये मदरबोर्ड है इसका LG का, और ये LG का टिकॉन। ये इसका SMPS, तो अभी देखते हैं इसमें फॉल्ट कहाँ पर है। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर ये फॉल्ट टिकॉन में ही आता है, टिकॉन से ये ऑड इवन का सिग्नल में प्रॉब्लम होता है, तो उसके कारण ये पिक्चर स्लो मोशन या फ्रीजिंग होता है। तो हम लोग अभी चेक करेंगे इसमें वोल्टेज क्या क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है इस टिकॉन में, ठीक है। तो देखिए आप लोग, ज़्यादातर ये टिकॉन बाईपास करने से हो जाता है रेडी। तो वोल्टेज देख लेते हैं इसमें क्या क्या वोल्टेज है या क्या नहीं है। ये पैनल VCC, बाकी सारे वोल्टेज 3.2 वोल्ट, ये आपका VGL वोल्टेज, एबिलिटी वोल्टेज भी सही है, और ये VGH का वोल्टेज भी सही है, लगभग सारे वोल्टेज ओके हैं। तो हमें काम करना है ये ऑड इवन का जो कनेक्शन है यहाँ पे काम करना है। तो यहाँ पे कट लगा के एक ऑड और इवन का कनेक्शन, उसको VGH VGL बाईपास करेंगे तो शायद काम बन जाएगा। पहले कट करके देखेंगे पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आएगा तो ठीक है, नहीं तो उसको जम्पर लगाएंगे हम यहाँ पे। ये ऑड और इवन का जो सिग्नल है यहाँ से जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है टिकॉन में देखिए, और ये VGL का जम्पर यहाँ से लगाना है और VGH का भी जम्पर यहाँ से लगाना है। तो चलिए एक छोटा सा वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं कैसे कटिंग होता है। ये मैंने कट कर दिया यहाँ पे दो ट्रैक को, उसके बाद कैसे वो जंपर करते हैं वो दिखाएंगे। पहले देख लेते हैं पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर पिक्चर सही आ गया तो जंपर लगाने का ज़रूरत नहीं है, और नहीं आया तो लगाना पड़ेगा। देखिए पिक्चर कुछ नहीं है अभी, और डिफेंस
काटने की वजह से कोई भी पिक्चर नहीं है। तो अभी इसको जंपर लगाएंगे और इवन को, तो जंपर कैसे लगाएंगे वो एक छोटा सा एनिमेशन के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। तो ये इवन कनेक्शन है, तो ये वाला इवन का कनेक्शन है और उसके ठीक बगल में आउट का ये एक सिग्नल है। टिकॉन में सारा लिखा हुआ रहता है, तो ये इवन का आउट का कनेक्शन है। तो ये दोनों को, ये दोनों में 27 वोल्ट और -5 वोल्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में आता रहता है। एक बार 20 VGH, एक बार VGL, ऐसे ही जो एनिमेशन में इतना दिख रहा है वैसे ही आता रहता है। तो ये ऑड और इवन को पैनल के साइड कट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका VGH का टेस्ट पॉइंट दिया हुआ है, VGH 27 वोल्ट, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है VGL का टेस्ट पॉइंट -4.9 वोल्ट। तो ये दोनों से हमको जम्पर लगाना है। तो यहाँ से ऐसे कट करेंगे छोटा सा, ये जगह पे दोनों को कट लगाने के बाद ये VGH का जम्पर यहाँ से सीधा राइट साइड में लगा देंगे पॉड कनेक्शन में, और VGL का इवन कनेक्शन में जम्पर लगा देंगे। दोस्तों जैसा एनिमेशन दिखाया वैसा ही यहाँ पे जो ऑड और इवन का कनेक्शन है उसको बाईपास किया है। यहाँ पे देखिए ये दोनों ट्रैक में यहाँ से VGL का कनेक्शन, सीधा VGL का कनेक्शन डायरेक्ट उठा के यहाँ पे बाईपास किया है, और साइड का जो कनेक्शन है उसके पास बगल में ये VGH का वोल्टेज यहाँ से डायरेक्ट उठा के इधर जंपर किया है दोनों। तो हमारा दोनों VGH और VGL का जो कनेक्शन है वो बाईपास हो चुका है। अभी पावर लगा के पिक्चर को अभी चेक करेंगे कि इसका फ्रीजिंग ठीक हुआ कि नहीं हुआ। पहले देख लेते पिक्चर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कट करने की वजह से पिक्चर तो नहीं आ रहा था, अभी देखिए पिक्चर आ गया बराबर। ठीक है, तो पिक्चर जब आ गया तो इसमें एक सिग्नल लगा के देख लेते हैं कि पिक्चर में स्लो मोशन अभी तक है या नहीं है। तो देखिए अभी बिल्कुल सही से पिक्चर चल रहा है, कोई फ्रीजिंग या कोई स्लो मोशन इसमें नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।